बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो हम देखेंगे क्लास 5 मुताला पाकिस्तान यानी कि हिस्ट्री एंड जियो का मॉडल पेपर वर्जन नंबर ए। 50 नंबर के दो पार्ट है, पार्ट ए भी 50 नंबर का, पार्ट बी भी 50 नंबर का। ये टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। एमसीक्यूज में देखें तो पहला एमसीक्यूज है कि हमें पाकिस्तान के वक्त एक बड़ी तादाद हिजरत करके पाकिस्तान आई मुसलमानों की। मैं आपको जैसे इसके आंसर बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर हम डिटेल की तरफ जाएं तो वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, 4 का ऑप्शन नंबर डी और 5 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 6, 7 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 8 का ऑप्शन नंबर सी, 9 का ऑप्शन नंबर ए और 10 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 11 का ऑप्शन नंबर ए, 12, 13, 14 और 15, 16 इन पांचों का जो ऑप्शन नंबर सी है वो दुरुस्त जवाब है, 17 का ऑप्शन नंबर ए है, 18 का ऑप्शन नंबर सी, 19 का ऑप्शन नंबर ए और 20 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 21 का ऑप्शन नंबर ए, 22 का ऑप्शन नंबर बी, 23 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 24 और 25 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हिस्सा बी की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, सवाल नंबर 2 के भी 2 पार्ट है, सवाल नंबर 3 के, 4 के और 5 के सबके 2-2 पार्ट है। इनके जो आंसर है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पुरअमन माशरे के फ़रोग़ के लिए कौन से 5 इकदाम तहरीर करें, तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने ये दिया हुआ है। इनकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने इनको तैयार करना है। नेक्स्ट बी पार्ट का आंसर आपके सामने दिया हुआ है, इनको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है इसका आंसर आपके सामने मौजूद है और साथ में नीचे बी का भी आंसर मौजूद है। सवाल नंबर 3 का ए पार्ट आपके सामने है और बी पार्ट का आंसर भी मौजूद है। सवाल नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो आप लोगों ने तैयार करना है। अगर आपने बुक से इनके आंसर तैयार किए हुए आप बुक वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ये वाले भी कर सकते हैं। बी पार्ट जो उनसे वो आपके सामने ये आ चुका हुआ है और सवाल नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने दिया हुआ है। ऐसे इसका जो बी पार्ट है वो आपके सामने ये दिया हुआ है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है वर्जन नंबर बी, इसको भी हम डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, 2 का ऑप्शन नंबर बी, 3 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 4 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 5 का ऑप्शन नंबर डी और 6, 7, 8 तीनों का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 9 और 10 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 11 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 12 का ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 14 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 15 और 16 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 17 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 18 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 19 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है और 20 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 21 और 22 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है, 23, 24 का ऑप्शन नंबर डी और 25 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। हिस्सा बी की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट दिए हुए हैं, 2 के भी 2 पार्ट है और 3 के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं, 4 और 5 के भी फर्दर 2 पार्ट है। इनके आंसर को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है, जो बी पार्ट है अब्दुल स्तार ईदी फाउंडेशन वाला वो भी आंसर आपके सामने दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने बुक से आंसर तैयार किए हुए हैं तो आप बुक वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो दिए हुए हैं आंसर आप लोग ये भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने ये मिल चुका हुआ है और बी पार्ट का जो आंसर है वो भी आपके सामने ये मौजूद है। सवाल नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो आपके सामने दिया हुआ है, ऐसे जो इसका बी पार्ट है उसका जो आंसर है वो भी आपके सामने ये मौजूद है। सवाल नंबर 4 का ए पार्ट का आंसर मिल चुका हुआ है और साथ में नीचे बी का आंसर भी मौजूद है। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट का आंसर आप लोगों ने लिखना है और साथ में इसकी बी आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है जो आप लोगों ने तैयार करना है। नेक्स्ट हम वर्जन नंबर सी को देखते हैं। वर्जन नंबर सी कहते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 का एमसीक्यूज नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 3, 4 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 5 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 6 का ऑप्शन नंबर बी, 7 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 8 और 9 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 10 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 11 का ऑप्शन नंबर ए और 12 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है, 13 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है, 14 का ऑप्शन नंबर बी, 15 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 16 का ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर सी, 18 का ऑप्शन नंबर बी और 19 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 20 और 21 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है, 22 और 23 का ऑप्शन नंबर ए, 24 का ऑप्शन नंबर डी और 25 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हिस्सा बे की तरफ है, हिस्सा बे के अंदर सवाल नंबर 1 के 2 पार्ट दिए गए हैं, सवाल नंबर 2 के भी, सवाल नंबर 3, 4 और 5 तीनों के 5 सवाल के 2-2 पार्ट है। फर्दर के हम आंसर को भी देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है, ऐसे इसका जो बी पार्ट है इसका आंसर भी आपके सामने ये दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 का जो ए पार्ट है इसका आंसर मिल गया आप लोगों को, साथ में नीचे बी का आंसर भी आपके सामने चल रहा है। ऐसे सवाल नंबर 3 का जो ए पार्ट है उसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है और से बी पार्ट का आंसर दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 का ए पार्ट आपके सामने मौजूद है और साथ में बी पार्ट भी आपके सामने मौजूद है।
प्रॉब्लम 5 का ए पार्ट आपके सामने मौजूद है और साथ में बी पार्ट का आंसर भी आपके सामने मौजूद है। अगर आप लोगों ने बुक्स इनके आंसर तैयार किए हुए तो आप बुक वाले भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो आंसर हम आपको शेयर कर रहे हैं आप लोग ये वाले भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।